तो देखो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है राइट कम्युनिकेटिंग सिलेंडर, तो यहाँ पे इसका जो डायमीटर है वो डी है और इधर का जो डायमीटर है वो कितना है 4D। और कहा गया कि कॉलम एंड दिस इज फिल्ड विद मर्करी, दिस फिल्ड विद, तो मान लो कि यहाँ तक अगर मर्करी रखा हुआ है इनिशियली है ना, तो दोनों में उसका इनिशियल हाइट क्या होगा सेम होगा, तो इनिशियली ये सिचुएशन होगा करेक्ट, ये एक रेफरेंस लाइन पकड़ लो ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या कहा है, इसके बाद कहा है कि अ कॉलम ऑफ वाटर ऑफ हाइट 70 सेंटीमीटर इज पोर्ड इनटू द नैरो वेसल, यानी नैरो वाला ठीक है, 70 सेंटीमीटर वाटर डालेंगे तो वो जो वाटर एक प्रेशर क्रिएट करेगा इस मर्क्यूरी पे, तो मर्क्यूरी जो है थोड़ा सा इधर लो हो जाएगा, इसलिए इधर मर्क्यूरी लेवल बढ़ेगा। ये पॉइंट समझ में आया? तो हम लोग एक और डायग्राम बना देते हैं देखो, तो अभी अगला डायग्राम कैसा होगा, तो वो ऐसा हो जाएगा कि इस साइड जो है वाटर ऐड कर दिया गया करेक्ट, और इस साइड वो लेवल बढ़ जाएगा। तो ये जो रेफरेंस है अभी इस रेफरेंस को हम ऐसे ही मेंटेन करते हैं आगे तक, ताकि हम क्लियरली समझ पाएंगे कितना ऊपर गया कितना नीचे गया। तो अभी इस साइड ये जो लेवल है मर्करी का, मान लो ये यहां पहुंच गया और ऊपर हमने क्या ऐड किया है वाटर, क्या ऐड किया है तो ये अगर एक्स नीचे गए, यहां पे मर्करी कितना नीचे गया हमने मान लिया एक्स नीचे गए, ये इधर मर्करी का लेवल, ये जो डॉटेड लाइंस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मर्करी, तो ये जो मर्करी यहां से फ्लो होगा इसकी वजह से मर्करी यहां पे कहां जाएगा ऊपर जाएगा, तो मान लेते हैं कि वो कुछ वाई ऊपर गए, कितना ऊपर गए, तो ऐसा मान लिया हमने कि नैरो वेसल में वो एक्स नीचे गया और वाइड वेसल जो है उसमें वो कहां गया ऊपर गया एक्स और वाई, ये हमने अज्यूम कर लिया। समझ में आप लोगों को ठीक है, पॉइंट समझ में? तो ये जो पॉइंट है राइट, इसको अगर मैं ए कह दूं, क्या कह दूं इसको ए, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे मैं एक पॉइंट ले लू बी, समझ में आपको, तो ये जो ए और बी है ये दोनों एक ही लिक्विड पे लाई कर रहे हैं और सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो वो लिक्विड कौन सा है, वो लिक्विड है एचजी राइट, क्योंकि ये पूरा एचजी है सही है, ये पूरा क्या है एचजी है करेक्ट, यहां तक पूरा ये पूरा एचजी है और ये वाटर है। तो अगर मैंने यहां पे एक रेफरेंस लाइन ले लिया तो प्रेशर एट ए, तो प्रेशर एट ए मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट बी सही है, क्योंकि बिकॉज दिस टू पॉइंट्स लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन इन द सेम लिक्विड करेक्ट। ओके नाउ यू सी प्रेशर एट ए निकालना है, तो ये जो कॉलम है इसका टोटल हाइट कितना है 70 सेंटीमीटर है सही है, तो आप ऊपर से शुरू कर दो, तो ये होगा पी नॉट प्लस रो जी एच सही है, तो वो प्रेशर आएगा ए पे, तो ए पे प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस रो वाटर प्लस रो वाटर इंटू जी इंटू एच वाटर हो गया, ये आ गया प्रेशर एट ए, और दूसरा प्रेशर एट बी निकालना है, तो प्रेशर एट बी जो है वो किसकी वजह से होगा, ये वाई और ये एक्स की वजह से सही है, ये इतना जो मर्करी है यानी इस लेवल से जो इतना हाइट है, तो ये हाइट जो हमने एज्यूम किया था वाई कि जो इनिशियल रेफरेंस था उससे वाई ऊपर गया, प्लस ये भी तो एक्स है क्योंकि हमने ए के रेस्पेक्ट में ले रहा है, तो ए के रेस्पेक्ट में ये हाइट एक्स है तो ये भी तो एक्स ऐड होगा, तो टोटल कितना ऐड हो जाएगा एक्स प्लस वाई, तो पी बी जो होगा वो यहां से शुरू होगा पी नॉट प्लस रो जी एच, पी नॉट प्लस रो जी एच तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी इंटू हाइट ऑफ मर्क्यूरी, समझ में आपको, तो यहां से हम लोग एक इक्वेशन मिल गया, तो ये पी नॉट पी नॉट कैंसिल हो गया, रो वाटर है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू जी इंटू हाइट कितना है 70 सेंटीमीटर इज इक्वल टू रो एच जी कितना है 13.6 जी इंटू हाइट एच जी, ये समझ में आपको, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पे जी, जो हाइट एच जी है वो क्या है एक्स प्लस वाई हो क्या है, तो यहां से मिल गया आपको 70 इज इक्वल टू 13.6 इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो गया पहला इक्वेशन सही है, तो एक इक्वेशन है दो अननोन है, यानी हमें एक और इक्वेशन चाहिए, तो वो इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं इसमें जो कंडीशन दी है उससे, कि यहां पे जो डायमीटर है इसका डी है और यहां पे इसका डायमीटर कितना है 4D,
तो जितना मर्करी यहाँ से फ्लो होगा वो उतना यहाँ जाएगा, यानी मास कंजर्वेशन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो मास फ्लो हुआ है यानी m1, उतना मास वहाँ जाना चाहिए, इधर फ्लो होना चाहिए। इधर से मास में फ्लो होगा वॉल्यूम वन इंटू डेंसिटी ऑफ एच जी इंटू वॉल्यूम टू इंटू डेंसिटी ऑफ एच जी। तो ये कैंसिल कर सकते हैं आप, क्योंकि क्योंकि क्या फ्लो हुआ है, मर्करी फ्लो हुआ है, यानी वी वन मस्ट बी इक्वल टू वी टू, वी वन मस्ट बी इक्वल टू। तो यहां से कितना फ्लो हुआ, ये इतना फ्लो हुआ क्योंकि ये इतना पीछे आ रहा है। तो ये जो पार्ट है राइट, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये वो पार्ट है जहां पे पहले मर्करी था, वाटर है, सही है, पहले क्या था वहां मर्करी। तो इतना फ्लो हुआ है ना, तो कितना फ्लो हुआ है, तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट। तो एरिया हो गया, मानो यहाँ का एरिया कुछ ए वन है, यहाँ का जो एरिया है कितना है ए वन, और यहाँ का एरिया कितना है ए टू। तो एरिया और कितना नीचे गया होगा एक्स, तो ए वन इंटू एक्स, सही है। और ये यहां पे जब गया वो लिक्विड इतना एक्स्ट्रा आया है कि नहीं, इतना तो पहले से था ही, वो यहां पे तो पहले से था, तो एक्स्ट्रा कितना आया, सिर्फ इतना ही आया ना, तो वो कितना हो जाएगा, तो वो फिर से हो जाएगा एरिया ए टू इंटू वाई। ये पॉइंट समझ में आया, सबको समझ में आ रहा है। अभी एरिया ए वन क्या होगा, तो वो होगा पाई इंटू डायमीटर स्क्वायर बाई फोर, पाई इंटू डायमीटर स्क्वायर बाई फोर इंटू एक्स। ये फॉर्मूला है एरिया का, क्रॉस सेक्शनल एरिया सिलेंडर का, सर्कल है ना वो, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर की जगह डी बाई टू, तो पाई डी स्क्वायर बाई फोर सर्कल का एरिया इज इक्वल टू। अब ए टू कितना होगा, तो फिर से पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर बाई फोर, पाई डी स्क्वायर बाई फोर इंटू वाई। तो यहाँ पे ये जो फोर फोर है वो कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स इज इक्वल टू सिक्सटीन वाई आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तो एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, सेवेंटी इज इक्वल टू थर्टीन पॉइंट सिक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो इस दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमें ये x मिल जाएगा और वो y भी मिल जाएगा, यानी कि मर्करी इधर कितना नीचे गया और उधर कितना ऊपर गया, ये दोनों हम निकाल सकते हैं, समझ में आप लोगों को। और अगर ये पूछ लेगा कि हाइट का डिफरेंस क्या है मर्करी का, इसमें और इसमें, तब हम x प्लस y निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, x प्लस y। समझ में आ गया सबको।